बहुत ही अच्छी जर्नी थी मेरी, वंडरफुल थी। बहुत अच्छे मोमेंट्स निकाले हैं मैंने, टास्क हो, घर के हो, पुनीश के साथ हो, घर वालों के साथ हो, सब कुछ बहुत अच्छा था। 2 महीने मेरे बहुत डिफरेंट लाइफ के एक्सपीरियंस रहे। अमेजिंग। So many questions have been raised on your relationship with Tanish in the house. Or there were many people who said that it was true, and there were many others who said that it was just for the cameras. So what do you have to say on that? वो रिलेशन बिल्कुल ही ट्रू था। ऐसा कैमरास के लिए कोई नहीं कर सकता है, आई थिंक किसी ने किया है तो मैं उस पर कॉमेंट नहीं कर सकती हूँ, बट मेरा और बुनेश का रिलेशन बिल्कुल ट्रू था। आई डोंट वॉन्ट यू टू टेक हिज नेम। It was you talked about addiction and breakup just because you were insecure about getting eliminated and that's why you wanted to end the relationship and come out of the house clean. So फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसी कोई हमने बात करी नहीं है। पुनीश और मैं तो दिन में 1000 बार ही मजाक करते थे, चलो ब्रेकअप करते हैं, घर वालों को देखते हैं क्या रिएक्शन दिखाते हैं। हमने ऐसा कभी बोला ही नहीं है। व्हाई वुड आई ब्रेकअप, आई लव हिम। मिस्टर एक्स, उनको पब्लिसिटी चाहिए, कुछ भी बोलेंगे। I know. Do you think that Hina is picturing Arshi against Shilpa? नो, हिना वो काम नहीं कर रही है। अर्शी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रही है ये चीज़ करके, आई थिंक बिकॉज अर्शी के अकॉर्डिंग 2 टारगेट उसके फर्स्ट डे से हिना एंड शिल्पा ही थे जिनको वो निकालना चाहती थी, बट अनफॉर्चुनेटली आधा सीज़न निकल गया, हिना को वो नहीं निकाल पाई, तो अभी वो बाकी सीज़न लगा रही है बिल्कुल जोर शिल्पा को निकालने के लिए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। So a few days ago, you and Punish were talking about eviction, and you had said that if Punish leaves the house, you'll also leave the house with him, just like Gohar did for Kusha. So did you expect Punish also to leave the house with you? नहीं, I wanted him to win, but yeah, that was for sure. अगर वो जाता तो मैं भी जाती। So who do you think shares the most genuine relationship inside the house right now? After I am out? Yeah. Genuine relationship? बहुत मुश्किल है कहना। नो नो नो, नॉट एवरी वन इज फेक, लेकिन गेम के लिए सब गेम खेल रहे हैं। मोस्ट फेक सपना चौधरी, फेक ऐसे तो बहुत सारे, सभी फेक कर रहे हैं, कोई असली में थोड़ी। अर्शी जेन्युइन, बुनीश ही बचा हुआ अंदर। आकाश ददलानी, पपेट ऑफ समवन एल्स, लव प्रियांक हिना के। लव विकास एंड शिल्पा भी हो सकती है, बिकॉज दे आर प्लेइंग क्लीन। उनकी गेम बहुत लोगों को समझ नहीं आ रही है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। दिमाग से खेल रहे हैं, जुबान से कम बोलते हैं, एंड मैन्युपुलेटिव हैं बहुत। शिल्पा मैन्युपुलेटिव नहीं है, शिल्पा अपने में ही रह के बहुत अच्छी आगे आ चुकी है, आगे जाएंगी भी। लोग उनके लिए मेहनत कर रहे हैं, जो अच्छी बात है। विकास खुद के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बैक एंड पे रह के कर रहे हैं, लोगों को दिख नहीं रहा है। पुनीश भी जीत सकते हैं अगर वो स्ट्रांग रहे और इस चीज़ को भूल जाएं कि मैं घर में थी या घर में नहीं हूँ, वो भी जीत सकते हैं। नो, आई डोंट थिंक, उन्होंने जो अपनी इमेज कर ली है और जो वो कर रही हैं उसके बाद वो जीत सकती है। पहले था, मुझे ऐसा लगता ही था कि हिना जीतेगी, बट नाउ आई डोंट थिंक वो जीतेंगी। थैंक यू।